हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन धुरंधर ऑटोमोटिव। एंड आज मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ जीप के शोरूम से। जी हाँ, शोरूम के पूरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप प्लान कर रहे हो एक जीप कार के लिए। एनीवे, जीप देखो पहले बहुत चली, जब इंडिया में आई थी तब काफ़ी पॉपुलर रही, बट उसके बाद थोड़ी इसकी पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन नज़र आया है। और क्यों नज़र आया है, अभी इनकी कौन कौन सी ऑफरिंग्स हैं, उसमें आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जीप की जो दो बेस्ट सेलर्स हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल है, जीप की लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल कॉम्पस, और ये भी आपकी जीप कॉम्पस है, ये आपका नया मॉडल है मॉडल एस। अब इन दोनों गाड़ियों में इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 29 लाख के आसपास है और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 38.5 के आसपास है। तो अब 11 लाख ऑलमोस्ट 9 लाख 10 लाख का डिफरेंस आपको इन दोनों गाड़ियों के बीच में आ रहा है। क्या क्या इसमें आपको ऐसा नहीं मिलता है और इसमें आपको मिलता है जिससे कि इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है दो मॉडल्स में सेम कार के, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सामने से शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट लुक की। ग्रिल का शेप आप देखोगे इसका थोड़ा अलग मिल जाता है। जीप की बैजिंग आपको क्रोम से मिल जाती है। यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाते हैं और ओवरऑल जो बाकी आपकी स्टाइलिंग है काफ़ी हद तक सिमिलर है। यहाँ पे फ्रंट में आपको वाइपर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। दोनों में आपको ये हाई क्वालिटी एरो ट्विन वाइपर्स जिसको बोलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और मिरर इसमें आपको अच्छी ये ब्लैक ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाते हैं। यहीं पर अगर मैं इसका फ्रंट आपको दिखा दूंगा तो इसके फ्रंट में आप देखोगे ग्रिल का शेप थोड़ा अलग है, थोड़ा ज़्यादा इसको अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा रिफाइंड लुक है, प्लस यहाँ आप देखोगे एक एडिशन हुआ है फ्रंट कैमरे का। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। जीप की जो बैजिंग है वो ब्लैक कलर में ब्लैक कलर से ही दी गई है, डार्क गन मेटल यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये काफ़ी बढ़िया लगती है। साइड में इसमें भी आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और बाकी जो स्टाइलिंग है काफ़ी हद तक सेम है। LED हेडलैम्प्स ऑब्वियसली इसमें भी आपको मिल जाते हैं। इसमें भी आपको महंगे वाले ये एरो ट्विन वाइपर्स देखने को मिलते हैं और साइड मिरर्स जो हैं इसमें आपको ये ग्रेश कलर में दिए हुए हैं। ये आप पिलर का कलर देखोगे या इसका कलर देखोगे, ये दोनों ग्रे कलर का एक खास लुक दिया गया है। अब टायर्स की मैं बात कर लेता हूँ। अलॉयज इसमें आपको डायमंड कट अलॉयज मिल जाते हैं, 18 इंच के अलॉयज हैं डायमंड कट, और साइड में जो कंपास की बैजिंग है वो भी आपको डार्क कलर से की हुई मिलती है। वहीं लॉन्गिट्यूड ऑप्शन में आपको सिल्वर फिनिश के नॉर्मल अलॉयज देखने को मिलते हैं, 17 इंच इनका साइज है। यहाँ पे जो व्हाइट गाड़ी है इस पे आपको ब्लैक का जो एक थीम बनाया गया है, जैसे ये अपना ब्लैक मिरर हो गया वैसे ही ब्लैक बैजिंग भी की हुई है। दोनों ही गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है, इसमें भी आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है। साइड से इसमें भी आपको रूफ रेल मिल जाते हैं जो टॉप मॉडल है, और इसमें भी आपको रूफ रेल देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं एक बार आपको पीछे से इन दोनों को डिफरेंस दिखा दूं तो कोई खास आपको नजर नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर वन मेजर डिफरेंस। यहाँ पे इसमें सबसे पहले आपको वाइपर, डिफॉगर, स्पॉयलर, स्टॉप लाइट, शार्क फिन दोनों में आपको सिमिलर मिल जाता है। डिफरेंस शुरू होता है यहाँ से। जीप की जो बैजिंग है इसमें क्रोम से की हुई है, और दूसरी जो मेजर डिफरेंस है इसमें आपको जो टेलगेट है वो मैनुअल मिलता है, मैनुअली आपको ओपन और क्लोज करना पड़ता है। यहीं पर इस गाड़ी में आपको ये जो बैजिंग है ये आपको वही डार्क गन मेटल कलर से की हुई मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइपर, डिफॉगर, स्टॉप लाइट ये सब सेम है, और इसमें अब आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है। ये फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है और ये आपकी S, यहाँ पे S की जो बैजिंग है जो सिग्निफाई करती है कि ये टॉप मॉडल है, ये भी डार्क गन मेटल कलर से की हुई है। तो अब आप पीछे से देख के ये समझ चुके हो कि ये एक 4x4 कार है और उसमें 4x4 आपको नहीं मिलता है। पहला मेजर डिफरेंस ये है इंजन और ड्राइव ट्रेन में। दूसरा जो फीचर्स में डिफरेंस है कि इसमें अब आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेलगेट। इलेक्ट्रिक टेलगेट उसमें आपको नहीं मिलता है, मैनुअली आपको टेलगेट ऑपरेट करना पड़ता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है। जीप की मैं यहीं पे तारीफ कर दूं, हमेशा जीप क्या करती है अपना जो टेलगेट का स्विच है यहाँ पे देती है, क्योंकि जो छोटे हाइट के लोग होते हैं जब टेलगेट ज़्यादा ऊपर चला जाता है उनको तकलीफ होती है, तो यहाँ से आप इसे आराम से ऑपरेट कर सकते हो क्लोज करने के लिए। स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। सनरूफ की बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। इवन दो ये इससे काफ़ी सस्ती है, ये वाला जो मॉडल है लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल, इसमें भी आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। पीछे की सीट्स की बात कर लेते हैं। पीछे की सीट्स में दोनों में आपको तीन हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको एक ये देखने को मिल जाता है हैंडरेस्ट जो अभी सील्ड है, बट आप देख सकते हो इस तरीके से, और लेग स्पेस वगैरह
यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एसी के वेंट्स मिल जाते हैं और ओवरऑल जो लेग स्पेस वगैरह है इस कार का वो ठीक है। ये सीट काफ़ी पीछे की हुई है फिर भी जगह बच रही है और बैटरी नहीं है इस गाड़ी में, तो आराम से आप अपना लेग्स भी स्ट्रेच कर सकते हो, इस सब में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसमें भी आप देख सकते हो वही सेम सिचुएशन है, बीच में हैंड रेस्ट, तीन हेड रेस्ट और सीट्स का जो एक थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ से अब मैं इंटीरियर की बात करना शुरू करूँगा। पहली बात, ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। दूसरी चीज़, इसमें आपको लेदर और फैब्रिक दोनों का मिक्सचर मिलता है सीट्स में। इस गाड़ी में आपको ये पूरा पूरा लेदर वाला सीट मिल जाता है और दूसरी चीज़ जो है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है जो 9-speed ऑटोमेटिक आता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट भी देखने को मिलता है। इसमें आपको सीट्स को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच में। एक और जो चीज़ है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो नहीं ही मिलता है, साथ ही साथ जो फैब्रिक की सीट्स हैं उनकी वजह से इसमें आपको वेंटिलेशन भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जबकि जो टॉप मॉडल है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। स्क्रीन की बात कर लेते हैं, स्क्रीन आपको दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिल जाता है, स्क्रीन और सनरूफ। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है कि नीचे वाले मॉडल में आपको ये मैनुअल डिमिंग IRVM देखने को मिलता है, जहाँ कि ये जो टॉप मॉडल है अपना इसमें आपको ये ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है। स्क्रीन तो सेम है ही, दोनों में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें चूंकि ये ऑटोमेटिक है इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है और फोर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी की जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव लो, फोर व्हील ड्राइव लॉक, ये सारे फीचर्स इसमें आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं। एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि ये जो इसमें आपका लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल मॉडल है इसमें डायल्स जो अपने हैं वो एनालॉग डायल्स देखने को मिल जाते हैं, बीच में आपको एक स्क्रीन जैसा देखने को मिल जाता है विच इज़ बेसिकली फॉर द MID। और यहाँ पे आप उसमें अपना देख सकते हो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। क्रूज कंट्रोल यहाँ देखने को नहीं मिलता है इतनी महंगी गाड़ी में, ये भी गाड़ी 28-29 lakh की है, इसमें यहाँ पे डमी बटन्स देख के थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है। टॉप मॉडल की बात कर लें तो अपने को यहाँ देखने को मिल जाता है खूब बड़ा सा बढ़िया सा यहाँ पे एक डिजिटल क्लस्टर, यहाँ पे पूरा ही आपको डिजिटल मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ये मोड्स जो कि आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, सैंड, स्नो, जिस हिसाब से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि ये एक फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है। खूब बढ़िया सा यहाँ पे आपको एक टॉगल स्विच मिल जाता है बेस मॉडल से, सारे ही मॉडल्स में इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक है, क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आपको देखने को मिल जाता है 9-speaker सिस्टम, जो इस गाड़ी में आपको 6-speaker सिस्टम मिलता है, इसमें आपको 9-speaker सिस्टम मिल जाता है, वही अपना डुअल जोन आपको इसमें भी क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे आपके ये फोर व्हील ड्राइव के जो स्विचेस हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स टॉप मॉडल में जो मिलती है, साथ ही साथ उसके आपको मेमोरी सीट्स का भी फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइज, दिस इज प्रिटी मच इट, ये है अपनी कॉम्पस लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल करीब करीब 29 lakh की और ये है अपनी कॉम्पस मॉडल एस टॉप मॉडल जो होता है करीब करीब 38 lakh का। तो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की हैं। इन दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है, या फिर इस प्राइस रेंज में आपको कोई और गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप एक कॉम्पस प्लान कर रहे हो तो आपका काम काफ़ी आसान हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।